सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टील बोतल को हम किस तरह से क्लीन करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर में आप देख सकते हो बहुत सारी गंदगी जमी हुई है, ऊपर में भी है, और इसमें बहुत सारी स्मेल होगी, तो सबको हमें जो है रिमूव करना है, अच्छी तरीके से डीपली क्लीन करना है। और इस तरीके से आप किसी भी स्टील वाले बर्तन को कर सकते हो, बहुत ईजी तरीके से क्लीन हो जाएगा, इसके साथ जो स्मेल है वो भी हट जाएगी। दोस्तों, इसके अंदर में जो गंदगी है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है और स्मेल भी है, तो हमें दोनों को रिमूव करना बहुत ही जरूरी है। तो इसे किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए बेकिंग सोडा, ठीक है। ये आपके घर में भी होगा और दुकान के शॉप में भी मिल जाएगा। तो एक चम्मच आपको बेकिंग सोडा लेना है और बोतल में डाल देना है, ठीक है। एक चम्मच ठीक रहेगा। इसके साथ इसमें आपको जो है नींबू डालना होगा। देखो, मेरे पास दो नींबू है, तो ये जो दोनों नींबू है इसको हम इसमें डाल देते हैं। अब देखो इसमें रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन हो रहा है क्योंकि सोडा जो है लेमन के साथ रिएक्शन करता है एसिड बेस। तो अच्छी तरह से इसे हम डाल देते हैं इसके रस को। और देखो इसमें आवाज आ रही होगी कि रिएक्शन करता है। तो यहां पर हमने एक नींबू को दो कट करके यहाँ पे डाल दिया है और इसके अंदर में बेकिंग सोडा है और दोनों रिएक्शन कर रहा है। अब इसमें क्या डालना होगा, इसमें डालना होगा हमें गर्म पानी। तो अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालना है, जैसे कि बोतल इतना है तो यहाँ तक हमने डाल दिया। इसके बाद इसे ढक्कन को इसको लगा देना है, ठीक है। ऊपर ढक्कन में भी बहुत सारी गंदगी, सबको रिमूव कर देगा ये। तो यहाँ पर सबसे पहले अब करना क्या है, इसे थोड़ा सा इस तरह से हिलाना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारी गंदगी थी, ठीक है। तो बहुत देखो यहाँ पे गैस निकल रहा है, गैस बन जाता है इसके अंदर, तो बहुत सारी गंदगी थी। तो गंदगी को ब्रश से हम इस तरह से रगड़ कर सकते हैं, लगना होगा। अभी बहुत सारी जो है क्लीनिंग हो चुकी है, तो उस पाले जो काई जमा हुआ उसको रिमूव करने के लिए किसी भी ब्रश से लेकर आप इस तरह से रगड़ सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास घर में चावल है तो चावल को इसमें आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर चावल को यहाँ पर डाल दिया मैंने, तो यहाँ पर इसमें मैंने चावल डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा और गर्म पानी इसमें डालेंगे। हमने यहाँ पर आधा बोतल पानी डाल दिया है गर्म पानी, और इसमें है लेमन और बेकिंग सोडा, और इसके साथ चावल को भी हमने मिला दिया। अब यहाँ पे अच्छी तरह से इसे हम टाइट ढक्कन कर देंगे। उसके बाद इसे अच्छी तरह से आपको सेक करना है, सेक करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके बाद इसे 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह आपको छोड़ देना है। 2 से 3 घंटे छोड़ने के बाद इसके अंदर जितनी भी गंदगी है वो सबको क्लीन कर देगा, और सबसे जरूरी चीज़ जो स्मेल है वो तो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि लेमन और बेकिंग सोडा स्मेल को अच्छी तरह से रिमूव कर देता है। और नीचे जो काई बैठी हुई है वो धीरे 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 गल जाएगी। गलने के बाद जो चावल है उसे अगर आप इसे सेक करते हुए हिलाते हो तो जो काई जो भी अंदर बैठी हुई है वो सब धीरे 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 करके रिमूव हो जाएगी, घिस जाएगी, और बाद में इसे हम पानी को रिमूव कर देंगे। उसके बाद दोस्तों बाहर की जो गंदगी है उसे क्या करना है रिमूव करने के लिए, आपको थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लेना है और उसमें जो है आपको नींबू का रस डाल देना है। देखो आप यहां पर भी ये रिएक्शन कर रहा है। उसके बाद ये जो सोल्यूशन बनता है इसे आपको मिला लेना अच्छी तरीके से, और उसके बाद जो बाहर में जहां भी आपको मतलब पहुंच रहा है हाथ वहां पे क्लीन करना है, तो इस तरीके से आप इसे क्लीन कर सकते हो। देखो ब्रश से क्लीन करना, देखो यहाँ पे क्या हो गया, देखो डायरेक्टली यहाँ से हट चुका है। तो इस ब्रश से यहाँ पे ये सोल्यूशन लेना है और इसे अच्छी तरीके से रगड़ देना है जहां पे भी काई जमा हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हो ये जो बोतल है पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, अंदर से भी बाहर से भी, और इसके अंदर जो भी काई थी वो हट चुकी है और स्मेल भी हट चुकी है। तो यहाँ पर मैंने नींबू सोडा चावल और पानी को डाला था, गर्म पानी को, और इसे अच्छी तरीके से ये मतलब सेक किया, बोतल को हिलाया बहुत देर। तो आपका बोतल जितना गंदा है उसे आप उतना ज्यादा मतलब सेक करोगे तो अच्छा रहेगा। मेरा बोतल बहुत ज्यादा गंदा था तो मैंने बहुत ज्यादा सेक किया। उसके बाद उसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया, और 2 से 3 घंटे के बाद फिर से मैंने सेक किया, और फाइनली जो भी बाहर गंदगी थी उसे मैंने लेमन सोडा के सोल्यूशन से ब्रश से रगड़ रगड़ के रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे स्मेल भी नहीं है और गंदगी भी नहीं है, तो इस तरीके से आप इसे क्लीन कर सकते हो। यहाँ पर जो लेमन है वो दाग धब्बे मिटाता है, और जो सोडा है वो जो काई जमी हुई है उसे डीपली तरीके से जड़ से उखाड़ देता है, और दोनों का सोल्यूशन जो है स्मेल को रिमूव करता है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टील वाले बर्तन या बोतल को साफ कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नई बार तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी इस तरीके से बोतल को क्लीन करना आ जाए।